दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें एक अमेरिकन नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पोएटस सिल्विया प्लाथ को क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों ये पोएटस बहुत ही स्पेशल है, इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये कन्फेशनल पोएट्री लिखा करते थे जैसे इंडिया में एक इंडियन ऑथर कमला दास लिखा करते थे, उसी तरह से इनको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। इनको क्यों पढ़ना चाहिए आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं। टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने पहली बार सिल्विया प्लाथ की लेडी लैजरस और डैडी नाम की जो दो पोएम्स पढ़ी थी, उनको पढ़ने के बाद जो सबसे पहली चीज़ मेरे दिमाग में आई वो ये थी कि ये क्या लैंग्वेज यूज़ की है यार। मैंने सोचा कहीं ये दिमागी रूप से बीमार तो नहीं थी। मैंने इमिजिएटली जाकर इंटरनेट पर सर्च किया तो मुझे क्या पता चला कि हाँ, इन्होंने न जाने कितनी बार ही आत्महत्या करने की कोशिश की थी, लेकिन हर बार ये बच जाती थी। इनको पढ़ते हुए मुझे लगता था कि ऐसे ही कोई बचकानी पोएट्रेस थी जो कुछ भी लिखती थी अपने पागलपन में। हाँ, सच में मुझे ऐसा ही लगता था, जब तक कि मैंने इनकी पोएम्स में लिखी गहराइयों को नहीं समझा, इनकी लाइफ नहीं पढ़ी। तो सुनो क्या खास है इस पोएट्रेस में। सिर्फ 8 साल की एज में इन्होंने अपनी पोएम लिखी और उसे पब्लिश भी करवाया। 11 साल की एज तक ये छोटी मोटी मैगजीन्स में, अपने न्यूज़पेपर्स में अपनी पोएम्स लिखना शुरू भी कर दी थी और पब्लिश भी करवाना शुरू कर दिया था। जब 8 से 11 साल की एज में हमको पता भी नहीं होता कि ये पोएम्स पब्लिश भी होती हैं क्या, तो 1947 में इनकी पेंटिंग्स के लिए इनको कुछ अवार्ड्स भी मिले थे। तो बचपन देख करके तो लगता है कि लड़की कुछ सक्सेसफुल होने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए बनी थी, क्योंकि बचपन में सिल्विया का IQ 160 के आसपास था। लेकिन प्रॉब्लम तब आई इनकी लाइफ में जब 8 साल की एज में इनके फादर गुजर गए। वो मोमेंट इनके लिए ऐसा था जब रिलीजन से इनका पूरा भरोसा उठ चुका था। इसके बाद सारी जिंदगी के लिए नास्तिक बन गई। अपनी पढ़ाई खत्म की एक गर्ल्स कॉलेज से, राइटिंग करते करते इनको एक ऑथर बहुत पसंद आ गए थे, उनका नाम था डैरेन थॉमस, मैंने पढ़ाया आपको। उनसे मीटिंग करने के लिए पहुंची, लेकिन वो इनसे मिल नहीं पाए, वो घर लौट गए। पूरे दो दिन सिल्विया ने डैरेन थॉमस का इंतज़ार किया, लेकिन वो इनसे नहीं मिले तो इनका गुस्सा सातवें आसमान पर था, क्योंकि प्यार हो गया था डैरेन थॉमस से इनको। इवन ये तो डैरेन थॉमस को अपना बॉयफ्रेंड तक कहती थी, बल्कि बॉयफ्रेंड से भी बहुत ज़्यादा। जब डैरेन थॉमस से मुलाकात नहीं हुई तो 2 हफ्ते बाद इन्होंने पता है क्या किया, अपने पैरों को, टांगों को चीर कर टेस्ट किया कि क्या मुझ में मरने जितनी ताकत है। उस वक्त इस पागलपन की वजह से इनको इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए ताकि ये डिप्रेशन से बाहर आए। लेकिन मरने वाले पर असर क्या पड़ना होता है जब वो मरने की ठान चुका है। तो 1953 में इन्होंने अपनी माँ की 30-40 नींद की गोलियाँ घटक ली, लेकिन खुशकिस्मती से इनकी माँ और इनके भाई ने देख लिया तो ये बच गए। 6 महीनों तक सिल्विया को एक अच्छी डॉक्टर मिल गई जिन्होंने इनको समझाया कि सुसाइड करना पाप है। तब इनके दिमाग में कुछ बैठा और ये निकल गए यूरोप की ट्रैवलिंग पर। उस दौरान इनको मिली एक जीने की वजह, टैड ह्यूग्स। ये एक पोएट थे जो मैगजीन्स में अपने वर्क्स को पब्लिश करवाते थे। इन्होंने टैड ह्यूग्स के वर्क्स को, पोएम्स को पढ़ रखा था तो ये बढ़िया इम्प्रेस थी, मिलना चाहती थी। मिलने के कुछ ही महीनों बाद इनका ऐसा तालमेल बैठा, इन्होंने शादी कर ली। 2 पोएट्स मिले, एक दूसरे के लिए पोएट्री लिखी। वो बोली कि मेरे हस्बैंड एक अच्छे सिंगर हैं, अच्छे स्टोरी टेलर हैं, एक अच्छे वर्ल्ड वांडरर हैं और उनकी आवाज़ थंडर ऑफ गॉड की तरह है। ठीक है, शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चली, बच्चे हुए, लेकिन कैरियर को टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो रॉबर्ट लॉवेल जैसे पोएट ने इनको सलाह दी कि अपने लिए अपने एक्सपीरियंस को लिखो ना, जो तुम सच में हो, अंदर से निकालो जो तुम फील करती हो, सच लिखो अपनी पोएट्री के अंदर। बस ये सलाह इनके दिमाग में बैठ गई, फिर सिल्विया प्लाथ ने जहर उगला। जो कुछ भी इनके अंदर, जो डिप्रेशन के टाइम पर इन्होंने फील किया, वो पोएट्री में उतार दिया। मैं सलाह दूंगा कि आप इनकी पोएम लेडी लैजरस और डैडी को पढ़ना। इन्होंने लेडी लैजरस में अपनी सुसाइड अटेम्प्ट्स के बारे में लिखा है, पता है, और अब ये औरतों के नज़रिए से लिखने लगी, फेमिनिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा लिखती थी। पता है प्लाथ क्या बोली कि हाँ, मैं अजीब हूँ, मैं अलग हूँ, जैसी भी हूँ खुद के लिए सच्ची हूँ। इन्होंने सब कुछ अपनी पोएम्स में उतार दिया। इन्होंने लिखा कि मेरे हस्बैंड ने अब मुझे मारना भी शुरू कर दिया है क्योंकि मेरा दूसरा बच्चा गिर गया। इसी बीच टैड ह्यूग्स का अफेयर हो गया एक अशिया नाम की लड़की से, ब्यूटीफुल लड़की से। तब सिल्विया प्लाथ ने अपनी कार को पानी में डुबो दिया, तो
कार एक्सीडेंट में सुसाइड करने की कोशिश की, इन्होंने बताया भी था बाद में। जब सिल्विया को पता चला कि इनके हस्बैंड का किसी लड़की के साथ में अफेयर चल रहा है, इनके पति ने, इनके हस्बैंड ने इनको छोड़ भी दिया था। उस वक्त न जाने कहां से इनमें इतनी एनर्जी और क्रिएटिविटी आ गई कि इन्होंने अपनी पोएम्स लिख डाली। इतनी पोएम्स लिख डाली, नींद नहीं आती थी इनको रातों में, गोलियां लेती थी, 20 पाउंड तक वजन कम हो गया था। ये तो ये, बल्कि इनके दो छोटे छोटे बच्चे जिनकी लाइफ को भी ये रिस्क में डाल रही थी। डॉक्टर अपनी नर्स को बार बार भेजता था कि जाकर चेक करके आओ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नर्स फरवरी 11, 1963 को सिल्विया प्लाथ के घर पर पहुंची तो क्या देखा कि सिल्विया प्लाथ ने सुसाइड कर लिया कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग से। अपने दो छोटे छोटे बच्चों को अकेला छोड़कर वो इस दुनिया से चली गई 30 साल की उम्र में। शायद सिल्विया को किसी अपने का साथ चाहिए था जो उन्हें मिला नहीं। वो दो बच्चों में से इनकी एक बेटी फ्रीडा, जो खुद एक अच्छी राइटर बनी, एक आर्टिस्ट बनी, लेकिन इनका बेटा निकोलस 16 मार्च 2009 को उसने भी खुद को फांसी लगाकर मार लिया। याद रखना, सुसाइड करने वालों को सुसाइड करने का बढ़ावा तब मिलता है जब उनकी फैमिली में से किसी ना किसी ने पास्ट में सुसाइड की हो। अब सवाल ये आता है कि डेथ के बाद में उन पोएम्स का क्या हुआ जो इन्होंने फुल ऑफ एनर्जी में लिखी थी। तो इनकी डेथ के 2 साल बाद में इनकी पोएम्स को इनके हस्बैंड ने एरियल टाइटल से पब्लिश करवाया, जो कि लोगों को पढ़ करके ऐसा लगा कि क्या ईमानदारी बढ़ती है इमोशंस के साथ में, मास्टरपीस है मास्टरपीस। दोस्तों, मेरे हिसाब से सिल्विया प्लाथ ने एक लास्ट अटेम्प्ट किया था अपने मरने के लिए। लास्ट अटेम्प्ट में उनका शरीर तो खत्म हो गया, लेकिन शायद फिर भी उनका ये अटेम्प्ट फेल हो गया। वो जिंदा रही, उन्होंने अपना लास्ट अटेम्प्ट भी बेकार कर लिया, वो जिंदा ही रही और जिंदा ही हैं आज भी।